वे यरूशलेम पहुंचे। और मसीह यीशु ने मंदिर में जाकर वहां खरीदी बिक्री कर रहे व्यक्तियों को बाहर निकालना प्रारंभ कर दिया। साथ ही उन्होंने मुद्रा का लेन देन कर रहे साहूकारों की चौकियों तथा कबूतर बेचने वालों के आसनों को उलट दिया। मसीह यीशु ने किसी को भी मंदिर में बेचने का सामान लेकर आने जाने की अनुमति न दी। वहां शिक्षा देते हुए मसीह यीशु ने कहा, क्या पवित्र शास्त्र में तुमने ये नहीं पढ़ा, सारे राष्ट्रों के लिए मेरा भवन प्रार्थना भवन होगा और यहाँ तुमने इसे डाकुओं की गुफा बना रखा है। इस घटना के विषय में मालूम होने पर प्रधान याजक तथा शास्त्री मसीह यीशु की हत्या की युक्ति खोजने लगे। उन्हें भीड़ का भय था क्योंकि मसीह यीशु की शिक्षा से भीड़ प्रभावित थी। संध्या होने पर मसीह यीशु तथा उनके शिष्य नगर के बाहर चले जाते थे। प्रातःकाल जब वे वहां से आ रहे थे, उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ से सूखा हुआ पाया। पतरस ने याद करते हुए कहा, रब्बी देखिए, जिस पेड़ को आपने शाप दिया था वो सूख गया है। इसके उत्तर में मसीह यीशु ने कहा, परमेश्वर में विश्वास रखो, मैं तुम पर एक अटल सत्य प्रकट कर रहा हूं, यदि तुम्हें विश्वास हो, संदेह तनिक भर भी ना हो, तो तुम न केवल वो करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु तुम यदि इस पर्वत को भी आज्ञा दोगे, उखड़ जा और समुद्र में जागे, तो ये भी हो जाएगा। इसलिए तुमसे मुझे ये कहना है, जिन सभी वस्तुओं के लिए तुम प्रार्थना निवेदन करते हो, उनके लिए ये विश्वास कर लो कि वे तुम्हें प्राप्त हो गई हैं, तो वे तुम्हें प्रदान की जाएंगी। इसी प्रकार जब तुम प्रार्थना करो और तुम्हारे हृदय में किसी के विरुद्ध कुछ हो, उसे क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा कर दें। किंतु यदि तुम क्षमा नहीं करते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा न करेंगे। इसके बाद वे दोबारा यरूशलेम नगर आए। जब मसीह यीशु मंदिर परिसर में टहल रहे थे, प्रधान याजक, शास्त्री तथा प्रवर नेतागण उनके पास आए और उनसे प्रश्न करने लगे, किस अधिकार से तुम ये सब कर रहे हो? कौन है वो जिसने तुम्हें ये सब करने का अधिकार दिया है? मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आप लोगों से मैं भी एक प्रश्न करूंगा, जब आप मुझे उसका उत्तर देंगे, तब मैं भी आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब कर रहा हूं। ये बताइए कि योहन का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से था या मनुष्यों की ओर से? वे आपस में विचार विमर्श करने लगे। यदि हम ये कहते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से था, तो ये कहेगा, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि हम ये कहें मनुष्यों की ओर से, वस्तुतः ये कहने में उन्हें जनसाधारण का भय था, क्योंकि जनसाधारण योहन को भविष्यद्वक्ता मानता था। उन्होंने मसीह यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। मसीह यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ठीक है, मैं भी तुम्हें यह नहीं बताता कि मैं ये सब किस अधिकार से कर रहा हूं,